इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजीएल 2022 का फॉर्म आप कैसे भर सकते हो। मैंने कोशिश करी ये चीज़ों को मोबाइल से बताने के लिए। कई लोग रहते हैं जिनके पास सिस्टम अवेलेबल या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो आप मोबाइल के थ्रू भी फॉर्म भर सकते हो। कुछ बातों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। और मैं कोशिश करूँगा कि स्टार्टिंग से एंड तक एक एक चीज़ आप तक कवर करूँ। ट्राई करिएगा कि हर एक पॉइंट को पॉज कर करके समझिएगा और मेरे साथ ही अगर फॉर्म भरोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। डिटेल भरने में ज़रूरत पड़ेगी आपकी। तो पहले आप 10th का मार्कशीट अपना रखिएगा, रोल नंबर भरा जाता है और आपका नाम वगैरह यहीं से भरा जाता है। और आधार कार्ड आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो काम चल जाएगा। कोई भी एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड ज़्यादातर लोग के पास होगा तो वो रख लीजिएगा अपना, उसकी भी डिटेल भरी जाएगी। ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फ़ोटो 20 से 50 कन्वर्ट कर लीजिएगा, साइन भी 10 से 20 KB के बीच में चाहिए आपका। फ़ोटो को लेकर के ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं SSC की साइट पर। और आपको बता दूँ कि जो फॉर्म रिजेक्ट होता है SSC का, उसमें सबसे बड़ा रीज़न फ़ोटो रहता है आपका। तो फ़ोटो में आपका चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, पावर वाला भी है तो भी नहीं चलेगा आपका। पॉइंट नंबर दूसरा ये ध्यान रखिएगा, फ़ोटो उल्टी आ जाती है, डेट नहीं लगाना है आपको। मैं फिर बताऊँ, डेट का कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो विदाउट डेट आपका पीछे का बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए। और ट्राई करिएगा कि लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार देखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर पुरानी फ़ोटो लगा देते और मैच नहीं होता, तो कई लोगों की ज्वाइनिंग भी रुकी हुई है, राइट। तो ध्यान रखिएगा फ़ोटो भरते वक्त, क्योंकि फ़ोटो की वजह से ही फॉर्म ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैटेगरी OBC और EWS के लिए। आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास अगर EWS है तो फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 होना चाहिए, वैलिड ईयर 22-23 होना चाहिए। OBC का जो कट ऑफ डेट रखा गया है 8/10/2022, इससे 3 साल पहले का वैलिड है आपका, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैटेगरी चेंज नहीं होगी। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप भले ही UR कट ऑफ क्लियर कर लो, आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, ये पहली बार नोटिस में देखा जा रहा है। तो फॉर्म भरते वक्त प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। आपको करना क्या है, पहले गूगल खोलिए, टाइप करिए SSC, उस पर फर्स्ट लिंक जो आएगा उसको क्लिक करिए और यहाँ पर आपको कॉर्नर पर लॉगिन का एक पेज दिखेगा। अगर आप नई कैंडिडेट हो, मैं मोबाइल से बता रहा हूँ ताकि कई लोग हैं जो मोबाइल से मतलब सिस्टम नहीं रहता है, तो आप कर सकते हो इसके थ्रू भी। यहाँ पर न्यू यूज़र का ऑप्शन आ रहा है नीचे, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेसिक डिटेल पहले भरना होता है आपको। तो यहाँ पर आपको पहला पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस या नो। नो कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है आपके पास। यस है, अगर यस है तो आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। दोबारा से फिर से वेरीफाई करना होगा आपको, साथ में आपको टाइप ऑफ आईडी, मैंने बोला पैन कार्ड ले लीजिएगा अपने पास, या कॉलेज का आईडी या पासपोर्ट वोटर आईडी। ज़्यादातर लोग पास पैन कार्ड या वोटर आईडी या कॉलेज आईडी तो होगा ही, आप उसको यूज़ कर सकते हो एज ए आईडी प्रूफ। दोबारा से आपको आईडी नंबर दोबारा डालना है वही वाला। आपको नाम जो भरना है, ध्यान रखना है कि जो 10th का आपका जो मार्कशीट है उसके बेसिस पर, श्री और मिस्टर मिस नहीं लगाना आपको, ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाम वेरीफाई करना आपको, कभी आपका नाम चेंज हुआ है तो यस कर सकते हो, वरना नो रहने देना आप उसको ज़्यादातर। फादर का भी नाम ध्यान रखिएगा श्री बिना लगाए हुए, मदर का भी नाम बिना श्री लगाए हुए ही, और 10th के मार्कशीट से ही भरिएगा, ध्यान रखिएगा। स्पेस का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट DDMMYYYY है, इसका मतलब है दो मतलब डिजिट आपके रहेंगे और ईयर वाले में 4 डिजिट रहेंगे आपका। जैसे मान लो किसी का 1907-1991 है तो आप ये भर सकते हो, ऐसे करके टाइप कर सकते हो, वहाँ एक चार्ट भी खुल जाएगा, वहाँ से भी आप भर सकते हो। 10th कहाँ से करी है आपने, तो उसके बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो आप। सारे बोर्ड यहाँ पर मेंशन है आपके, कोई भी एक जो भी आपका बोर्ड है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपका जो बोर्ड होना चाहिए, आपने जो मार्कशीट भरी हुई है, डेटा आपके पास रहता है, कई बार हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से कर देते हैं, तो ऐसी गलती ना करिएगा। वेरीफाई बोर्ड दोबारा से फिर से करिएगा और रोल नंबर नीचे लिखा हुआ है, रोल नंबर डालिएगा 10th का। मैं फिर बोल रहा हूँ 10th का रोल नंबर यहाँ भरना है आपको, 10th का रोल नंबर वेरीफाई करना है। किस साल में आपने पास किया है, 10th किस साल में पास किया आपने, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से देख करके। और वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, राइट, तो कर लीजिएगा वहाँ से। अब यहाँ पर जो करना है आपको, वो ग्रेजुएशन आप हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए उसको डाल दीजिएगा, और जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके अलावा आप मोबाइल नंबर डाल के, मोबाइल नंबर कंपलसरी है,
ईमेल आईडी कंपलसरी है, उसी पर आपका पासवर्ड आता है, और नीचे स्टेट आपका है, स्टेट डाल करके सेलेक्ट करके नीचे सेव का एक ऑप्शन आ रहा होगा, बटन आ रहा होगा, उसको सेव कर दीजिएगा। राइट, ध्यान रखिएगा आपका कि जो डेटा भर रहे हो उसको ऐसा ही नहीं भरना, इंपॉर्टेंट डेटा है। जब आप सेव करके सबमिट करोगे तो ऐसे लिख के आएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको ऐसा करके मैसेज आएगा एक, और उसके बाद क्या करना होगा, जो आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा उसके थ्रू आप फिर से लॉगिन करिएगा। दोबारा से जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड बनाने के लिए आएगा, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कम से कम 8 करेक्टर होना चाहिए, और एक स्पेशल करेक्टर मतलब स्टार या हैश, तो उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बना करके दोबारा से एक बार फिर से आपको वो लॉगिन वाला जो पेज था स्टार्टिंग में, वहाँ जा करके लॉगिन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो दोबारा पासवर्ड बनाने के लिए आता है उसमें पुराना वाला पिन डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद फिर से जो आपने जो फॉर्म भरा हुआ था अभी जो डिटेल भरी हुई है, कॉलेज आईडी, आधार कार्ड, ये सारा कुछ खुल के आ जाएगा, जो आपके बेसिक डिटेल थी आपने जो अभी भरा हुआ है, फादर का नाम, मदर का नाम और अपना ईमेल आईडी, ये सब कुछ फिर से खुल के आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वरना ऊपर एडिट का ऑप्शन होता है आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि डिटेल सही भरिएगा, बिकॉज ये आगे तक काम आता है। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन होगा, सेव के बटन को क्लिक कर दीजिएगा, देन आपका फिर से ये खुल जाएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जनरल, ईडब्ल्यू, इसको ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कैटेगरी चेंज नहीं होगी। नेशनलिटी देखिएगा, इंडियन भरिएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई कट वगैरह हो आपके फेस पर वो डाल दीजिएगा यहाँ पर, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, डिसेबल हो तो नो कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस ध्यान रखिएगा आपका, कि अगर सेम नहीं है तो घबराने की ज़रूरत, नो करके आप दोनों को अलग अलग भरिएगा। और अगर आप बार बार चेंज करते हो, जैसे कभी किराए पर रह रहे हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं कि सर अभी हम यहाँ रह रहे थे, हमारा गांव वहाँ था, तो एड्रेस को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट जब ज्वाइन करोगे उस टाइम पर भी आपका चेंज हो जाता है, तो आप एड्रेस को भरते वक्त अभी जो करस्पॉन्डेंस है उसको ज़रूर सही रखिएगा। मतलब अभी जहाँ भी रेंट पर रह रहे हो, जहाँ पर लेटर आ सकता है, बिकॉज ज्वाइनिंग के लिए जो लेटर आता है आपका वो इसी जगह पर आता है। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता है, अगर आपने दो एड्रेस दिए हुए हैं तो डिपार्टमेंट दोनों जगह पे कोशिश करता है कराने के लिए, मैक्सिमम देखा गया यही, लेकिन आप इसको लेकर के बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये सेव कर दोगे तो यहाँ पर अग्री का बटन आएगा, उसको अग्री कर देना, और एक बार आप देख करके यहाँ पर फाइनल सबमिट का एक बटन आएगा। मैंने एक डेमो लिया है आपका, एक कैंडिडेट का बस ले करके, और जैसे सबमिट करोगे तो फिर से मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो मोबाइल पर डाला था आपने, और ईमेल पर OTP जाएगा। आप दोनों में से कहीं पर भी जा करके OTP ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। जैसे ही पेस्ट करोगे आप, तो नोटिस करोगे कि एक बार फिर से आप लॉगिन करने के बाद दोबारा से पोर्टल में लॉगिन करेंगे, तो आपको जो जो फॉर्म इस समय खुले हुए हैं सारे, मतलब जो जो फॉर्म अभी गए हुए हैं या अभी हैं उसके लिस्ट में, सारे निकल के आ जाएंगे, यहाँ पर दिख जाएंगे। इसमें से जो अभी भरा जा रहा होगा उसकी आपकी एक्टिविटी यहाँ अप्लाई में दिख जाएगा, मतलब अप्लाई अभी कर सकते हैं उसको, इसको क्लिक कर दीजिएगा। अभी CGL 22 का फॉर्म भरा जा रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और अब आप असली CGL का फॉर्म भर पाओगे। अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था फीड, इसमें आप सारे कुछ अपनी डिटेल भर दीजिएगा, फादर का नाम, मदर का, देखो इसमें आधी डिटेल तो आपने स्टार्टिंग में भर रखा है, और एज भी आपका कैलकुलेट कर लेगा, कैटेगरी भर रखी है आपने वहाँ से, राइट, नेशनलिटी भर रखी है आपने, आपने जो आइडेंटिफिकेशन मार्क भरा हुआ है, 10th का मार्क्स वो, और बस आपको एग्ज़ाम सेंटर भरना होगा। यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, Center 1, Center 2, 3 करके दिया रहेगा, उसको ध्यान से सेलेक्ट करके भरिएगा। सेंटर चेंज नहीं होता है, ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन है, यस या नो, नो कर दीजिएगा, और अगर आप यस हो तो देख लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक है। और उसके आगे बाद आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए यहाँ पर, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर आपने कोई जॉब छोड़ी है पहले से, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे आप, तो उसको यहाँ भरना है आपको। क्या अगर आप स्क्राइब की ज़रूरत है आपको, अगर आप डिसेबल हो तो यहाँ पर आप डिटेल भर सकते हो उसके लिए, ठीक है ना। एक GSO का पेपर होता है, उसके लिए 12वीं में मैथ्स होनी चाहिए, और हर ग्रेजुएशन के हर साल में स्टैटिस्टिक्स पर पढ़ी होनी चाहिए, वो देख करके ही यस या नो करिएगा। 18 का 1 वाला हो गया। और उसके बाद आपका, अगर आपकी एज 27 से ज़्यादा है, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपको उम्र की छूट चाहिए, तो उस पर यस कर दीजिएगा। एज रिलैक्सेशन कोड में डाल दीजिएगा जो भी चाहिए आपका। और उसके बाद आपको चाहिए कि स्टेटस क्या है आपका, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। स्टेटस का मतलब है या तो अपीयरिंग होगी या तो पास होगे, हर साल की डिटेल भर दीजिएगा उसके बाद, राइट। और सारा कुछ, पासिंग का मार्क्स और आपका CGPA होगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपका बाकी डिटेल तो ऊपर भरी ही होगी। फोटोग्राफ्स लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, मैंने जो बताया आपको कि 20 से 50 फोटोग्राफ चाहिए आपका, और 10 से 20 चाहिए आपका सिग्नेचर का।
इसको ध्यान रखिएगा, और जो फ़ोटो लगाते वक्त इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको कि कैसा नहीं एक्सेप्टेबल होगा उसको ध्यान रखिएगा। कैमरे मोबाइल के जो होता है उसी से खींच करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप एडिट कर सकते हो उसको साइज़ का। ऑनलाइन फाइल रिड्यूसर होता है उसको भी कर सकते हो आप, ठीक है। और उसको भर के बाद यहाँ पर आप एग्री करके, और यहाँ पर कैप्चा कोड होगा इसको भर के, यहाँ पर आप प्रीव्यू करके एक बार दोबारा से देख करके जो भरा है आपने सब कुछ ठीक भरा है कि नहीं भरा है, और वो करके आप यहाँ से, और लास्ट में आप जा करके सबमिट कर सकते हो। फाइनली एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इसके बाद इसमें जरूर ध्यान रखिए कि चेंजेस होने नहीं हैं आपके बाद में। तो एक बार आप फाइनल सबमिट जब करोगे, फ़ोटो आपका लिख के यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद आप जब प्रिंट करने का चाहो तो प्रिंट कर सकते हो यहाँ से। और उसके अलावा आप पेमेंट पेज पर जब जाओगे तो ध्यान रखिएगा पेमेंट पेज पर जाते वक्त कि सबसे ज़्यादा जो फेलियर होता है वो मतलब प्रॉब्लम फेस यहीं पर होता है। ऑनलाइन मोड का ही यूज़ करिएगा यहाँ पर, आप ऑनलाइन में जा कर के सबमिट करोगे जब आप यहाँ से फॉर्म, राइट, तो आपको पेमेंट गेटवे पर लेके जाएगा वहाँ से आपको। और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन खुले हुए हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ करिएगा आप, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI का भी है तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोग इसके इसकी जगह पे आप VPA का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके आगे पेमेंट हो जाएगा और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, कोई इसमें घबराने